सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनुज जिंदल डॉट इन। सो एक काफी लंबे समय के इंतजार के बाद एनडीए 2.0 का कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है। बहुत समय से स्पेकुलेशन चल रही थी कि कौन मिनिस्टर बनेगा, किसको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, किससे मिनिस्ट्रीज को वापस लिया जाएगा। तो इन सभी सवालों का जवाब मोदी गवर्नमेंट ने अब दे दिया है फाइनली कि किसके पास नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए बात करते हैं किस किस को कौन कौन सी मिनिस्ट्री में रखा गया है। तो प्रधानमंत्री तो अभी भी मोदी जी ही रहेंगे, और शायद अगर 2024 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो भी वही रहेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के पास इंचार्ज होगा किस किस मिनिस्ट्री का, ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, पहले भी इनके पास ही था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अभी भी इनके पास रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अभी भी इनके पास रहेगा, तो ये इनके पास पहले से भी थे। और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रखा गया था, ठीक है। और लेकिन उसमें जो प्राइमरी जिम्मेदारी थी वो पहले भी किसकी थी, प्राइम मिनिस्टर की थी, और आज भी किनकी है, प्राइम मिनिस्टर की ही होगी, श्री नरेंद्र मोदी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उन्होंने अपने पास ही रखा है। इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशू होगा या फिर अगर कोई ऐसा पोर्टफोलियो होगा जो किसी भी मिनिस्टर के पास नहीं है, सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर, बट गाइस बिफोर मूविंग अहेड टू द कैबिनेट मिनिस्टर, सो आप सबने सुना होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है पहले ही समझ लेते हैं। रिमेंबर आर्टिकल 74 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 74 वो ये कहता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर्स एज इट्स हेड। प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे, रिमेंबर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे, एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल एडवाइज प्रेसिडेंट। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनके प्राइम मिनिस्टर हेड है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस। जो प्रेसिडेंट है वो उसी एडवाइस के हिसाब से काम करेंगे। सो दिस इज आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट, नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। राइट, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस विच मीन्स द लोकसभा, 15% होनी चाहिए। So, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो अराउंड 81-82 के आसपास रह सकती है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिमेंबर दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रेंथ दिल्ली में जो है वो कितनी है, 10% है। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ओके, एंड एक होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ओके, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, एंड अदर्स। सो जिन मिनिस्टर्स के पास भारत देश की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में रखा जाता है, और हमारे देश की जितनी भी पॉलिसी डिजाइनिंग होती है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री के डिसीजन के बाद होती है। ओके, मतलब बेसिकली पॉलिसी डिजाइनिंग में इनका काफी बड़ा रोल होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं और एक विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स। वो कैबिनेट मीटिंग्स का पार्ट नहीं हो सकते, और ना ही वो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे पे होते हैं। बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो वही काम करते हैं जो कि एक नॉर्मल कैबिनेट मिनिस्टर अपनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए करता है। ओके, और जो विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं तो बेसिकली ये वो होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अनुराग सिंह ठाकुर, तो वो अटैच थे उनके साथ, बेसिकली उनके सबॉर्डिनेट की तरह उनका काम करते थे। ओके, एंड डेप्यूटी मिनिस्टर भी बेसिकली वही होता है जो कि सबॉर्डिनेट की तरह काम करते हैं। अभी बात हाल फिलहाल में डेप्यूटी मिनिस्टर की कोई बात नहीं की जा रही है। तो आई होप कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स का जो डिफरेंस है वो क्लियर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री आती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं,
ऑल्सो रिमेंबर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, वही एक तरीके से पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चलाते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिसीजन से ही सारी पॉलिसी डिजाइनिंग हमारे देश में होती है। राइट, तो कैबिनेट मिनिस्टर ने जो डिसीजन ले लिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने या कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें जो भी एक डिसीजन आ गया, वो सारी पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉलो करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन कौन है कैबिनेट मिनिस्टर? मिस्टर राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रखा गया है उनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके पास रखी गई है। एंड वी ऑल नो राजनाथ सिंह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लखनऊ, विच इज इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन दी गई है, जो नई बिल्कुल नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। एंड रिमेंबर, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई है, ये कोऑपरेटिव्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। इसकी अनाउंसमेंट यूनियन बजट 2021 में ही कर दी गई थी कि ओके, हम जो हमारे वो होते हैं कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाएंगे, तो उसके लिए एक नई मिनिस्ट्री बना दी है, जिसके मिनिस्टर होंगे श्री अमित शाह उसके मिनिस्टर होंगे। एंड ऑल्सो हमें सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी उनके पास है। अमित शाह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी गांधीनगर है, विच इज इन गुजरात। नितिन गडकरी अभी भी मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बने रहेंगे, लेकिन इनसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वापस ले लिया गया है। नितिन गडकरी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है, द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी भी उनके पास रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी अभी भी उनके पास रहेगी। निर्मला सीतारमन राज्यसभा एमपी है कर्नाटका से, रिमेंबर दिस, लोकसभा एमपी नहीं है, ये राज्यसभा एमपी है कर्नाटका से। आगे बढ़ते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ, उनको रखा गया है अभी भी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इसके अलावा जो इनके पास मिनिस्ट्री थी वो इनसे लेके दूसरों को दे दी गई है। इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना, मुरैना हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अभी भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने रहेंगे, जो कि राज्यसभा एमपी है गुजरात से। अमित शाह जब लोकसभा में चुन लिए गए थे तो राज्यसभा में जब उनकी सीट खाली हुई थी तो उनकी जगह पे डॉक्टर एस जयशंकर को रखा गया था, इलेक्ट किया गया था, रखा नहीं गया था, इलेक्ट किया गया था, तो राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। अर्जुन मुंडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी खुंटी है, इनके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चल रही थी वो अभी भी बरकरार है, कोई चेंज नहीं किया गया है। स्मृति ईरानी के पोर्टफोलियो में चेंज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स उनसे वापस ले लिया गया है और पीयूष गोयल को दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अभी भी उनकी बनी हुई है। स्मृति ईरानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है, जो हम सब जानते हैं कहां पे, उत्तर प्रदेश में। पीयूष गोयल की बात करें तो इनसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ले ली गई है, तो ये काफी सरप्राइजिंग था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनसे क्यों ली गई, समझ नहीं आया इसके पीछे लॉजिक, बट यस चलो किसी और को खुश करने के लिए। और इनको भी वैसे नाराज नहीं किया गया, इनके पास भी काफी मिनिस्ट्री है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इनके पास, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि रामविलास पासवान के मरने के बाद से इनके पास आ गई थी। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी अब यही होंगे। ओके, तो तीन मिनिस्ट्री है अभी भी इनके पास, तो इनके पास नाराज होने का कोई रीजन नहीं है, अभी भी इनको खुश रहना चाहिए। रेलवे चला गया मानता हूं, लेकिन रेलवे जाने से आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ना चाहिए इनके पोर्टफोलियो पे, क्योंकि अभी भी इनके पास तीन मिनिस्ट्री तो है। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें तो ये पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, अब इनको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है, प्रमोशन हो गया है इनका, और इसके साथ साथ इनको मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाया गया है। और ये भी राज्यसभा एमपी है, कहां से, महाराष्ट्र से ये राज्यसभा एमपी है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी जो इनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ कर्नाटका से आते हैं, लोकसभा मेंबर हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स रखा गया है इनको, मिनिस्टर ऑफ कोल्स और मिनिस्टर ऑफ माइल्स, तो इनके पास अभी भी तीन मिनिस्ट्री रखी गई हैं, जो कि पहले भी इनके पास ही थी। अब बात करते हैं नारायण राणे, बिल्कुल नया चेहरा है कैबिनेट में, नारायण राणे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। सबसे पहले शिवसेना में थे, फिर ये कांग्रेस में आ गए, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक सेपरेट पार्टी बनाई, और उस सेपरेट पार्टी को उन्होंने बीजेपी में विलय कर दिया, बीजेपी में वो पार्टी जाके मिल गई। तो नारायण राणे को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई दी गई है, और नारायण राणे भी राज्यसभा एमपी हैं, कहां से, महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से राज्यसभा एमपी हैं। और एमएसएमई हम सब जानते हैं पहले किन के पास थी, मिस्टर नितिन गडकरी के पास। सर्बानंद सोनोवाल एक्स चीफ मिनिस्टर असम, अभी हाल ही में जो असम के चुनाव हुए थे इन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ने का इनको इनाम दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो है अब असम के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, वो होंगे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ आयुष भी होंगे, तो दो मिनिस्ट्री इनको दी गई है। एंड रिमेंबर, ये अभी ना तो राज्यसभा एमपी है ना लोकसभा एमपी है, तो मोस्ट प्रोबेबली तो जो तावरचंद गहलोत की सीट वैकेंट हुई है तो वहीं से इनको लोकसभा एमपी के लिए इलेक्ट किया जाएगा। तावरचंद गहलोत को कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स गवर्नर को अगर गवर्नर किसी भी
हाउस का मेंबर हैं तो उनको अपनी सीट को वैकेंट करना पड़ेगा, वहां से उनको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। मुख्तार अब्बास नकवी के पास अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो चार्ज है वो दिया गया है। ये भी राज्यसभा एमपी हैं झारखंड से, मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा एमपी हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जिनको प्रो टेम स्पीकर बनाया गया था अगर आपको याद हो, इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दी गई है, और जो कि पहले किनके पास थी, थावरचंद गहलोत के पास। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की खास बात यह है कि ये 1996 से टीकमगढ़ से एमपी हैं, बहुत लंबे समय से ये टीकमगढ़ से एमपी चल रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसके अलावा गिरिराज सिंह लोकसभा एमपी हैं बिहार के बेगूसराय से। इससे पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग था, बट नाउ इनके पास अब है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, अब गिरिराज सिंह के पास आ गया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस छोड़ने का इनाम इनको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको दी गई है, जो कि पहले हरदीप सिंह पुरी के पास थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत ही कद्दावर नेता है, बहुत ही जबरदस्त नेता है, तो इनको मिनिस्ट्री मिलना लगभग तय था कि इनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री जरूर आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनके पास है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जो कि जेडीयू से हैं, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं बेसिकली, ये है नेशनल प्रेसिडेंट जेडीयू के, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी गई है, और ये भी राज्यसभा एमपी हैं ऑफकोर्स, कहाँ से, बिहार से ये राज्यसभा एमपी हैं। आगे बात करते हैं अश्विनी वैष्णव की, काफी पढ़े लिखे आदमी है, एमटेक है, एक्स आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईएएस भी रह चुके हैं, एमटेक भी करी हुई है, काफी पढ़े लिखे हैं, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दी गई है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अब होंगे ये, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके पास होगी, जो कि पहले मिस्टर रविशंकर प्रसाद की थी, रविशंकर प्रसाद से रेजिग्नेशन ले लिया गया है, और अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये तीनों के तीनों इनके पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इनके पास ही रहेगी। अश्विनी वैष्णव जो है ये भी राज्यसभा एमपी है, कहां से, ओडिशा से ये राज्यसभा एमपी है। पशुपति कुमार पारस जिन्होंने अभी काफी ज्यादा धूम मचाया था अपनी पार्टी के अंदर एलजेपी में, चिराग पासवान को प्रेसिडेंट के पद से हटा के खुद अब ये एलजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट राम विलास पासवान। सो पशुपति कुमार पारस को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रखा गया है, एंड रिमेंबर पारस जी, दिस मिस्टर पारस जी इज लोकसभा एमपी फ्रॉम हाजीपुर, ये हाजीपुर से लोकसभा एमपी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत अभी भी मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बने रहेंगे, नो चेंज, और ये लोकसभा एमपी हैं जोधपुर से, ठीक है, जोधपुर राजस्थान। किरेन रिजिजू जो कि पहले मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थे, अब उनको मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस दिया गया है, एंड किरेन रिजिजू की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट से आते हैं ये। श्री राजकुमार सिंह, आरके सिंह, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आरा विच इज इन बिहार, ही इज द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड द मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया गया इनके पोर्टफोलियो में, अभी भी वही का वही है। हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया है, जो कि जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सिविल एविएशन था, पर अब इनके पास होगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हरदीप सिंह पुरी इज ऑल्सो राज्यसभा एमपी, एंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। श्री मनसुख मंडाविया, इनको बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है अब, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनको मिनिस्टर बनाया गया है, और इसके अलावा केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर भी यही रहेंगे। सो मनसुख मंडाविया गाइज, ही इज ऑल्सो राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात, गुजरात की एक सीट से ये राज्यसभा एमपी हैं। भूपेंद्र यादव की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि पहले थे प्रकाश जावड़ेकर, जो कि अब भूपेंद्र यादव को दिया गया है, जो कि पहले पेशे से वकील थे, एडवोकेट रह चुके हैं ये, काफी ये भी पढ़े लिखे और कद्दावर नेता हैं, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज के मेंबर भी रहे हैं, तो काफी अच्छी आइडियोलॉजी है इनकी, काफी अच्छी इनके पॉइंट्स होते हैं, और भूपेंद्र यादव बेसिकली एक अच्छी चॉइस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, एंड इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी यही रहेंगे, ये भी राज्यसभा एमपी हैं, कहां से, राजस्थान से। आगे बात करते हैं महेंद्रनाथ पांडे, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जो कि पहले प्रकाश जावड़ेकर के पास थी। महेंद्रनाथ पांडे की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है चंदौली उत्तर प्रदेश से लोकसभा एमपी हैं। परसोत्तम रूपाला, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि पहले किन के पास थी, मिस्टर गिरिराज सिंह के पास, परसोत्तम रूपाला के पास अब पहुंच चुकी है। रूपाला जी भी राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से राज्यसभा एमपी हैं ये। जी किशन रेड्डी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे होम अफेयर्स के,
इनकी प्रमोशन की गई है बड़ी भयंकर, और इनको 3 मिनिस्ट्री दी गई है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर है ये, टूरिज्म है जो कि पहले प्रहलाद सिंह पटेल थे, प्रहलाद सिंह पटेल से ये दोनों मिनिस्ट्री लेके जी किशन रेड्डी को दी गई है। अब मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था, जो अब जी किशन रेड्डी के पास आ गया है। जी किशन रेड्डी रिमेंबर ये लोकसभा एमपी है सिकंदराबाद से, सिकंदराबाद से लोकसभा एमपी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बहुत बड़ा छक्का मारा है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बना दिया गया है इनको, और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, दो दो मिनिस्ट्री इनके पास आ गई है। और ये भी लोकसभा एमपी है हमीरपुर से, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां से ये लोकसभा एमपी है। तो ये थी गाइस कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात। नाउ अब हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन अदर मिनिस्ट्रीज है उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह, ही इज लोकसभा एमपी फ्रॉम गुड़गांव, और यू कैन से गुरुग्राम, गुरुग्राम से लोकसभा एमपी हैं, और इनके पास भर दी गई हैं मिनिस्ट्रीज। मौसपी इनके पास है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, किसमें, मौसपी में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के, एंड इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि पहले किनके पास था, डॉक्टर हर्षवर्धन के पास, रिमेंबर दिस। इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का भी होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, जो कि पहले भी यही थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन में, जो कि पहले भी यही थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, जो कि पहले भी यही थे। तो बेसिकली इनका जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि इनको एडिशन इनके पोर्टफोलियो में एडिशन किया गया है इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और अर्थ साइंसेस का, और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें इनकी सेम है। सो गाइज ये था सेशन, इस सेशन का अंत। आई होप आपको सारे जो एमपी हैं उनके नाम क्लियर हैं, उनके लोकसभा या राज्यसभा एमपी जहां से भी हैं वो क्लियर हैं। एंड रिमेंबर एक ना एक क्वेश्चन आरबीआई के एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीएससी में आई एक्सेप्ट की डायरेक्टली ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा कि मिनिस्टर्स के नाम बताओ, बट यस अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं और वहां पे किसी मिनिस्ट्री का जिक्र आप कर रहे हैं, तो अगर आप मिनिस्टर का नाम लिख देते हैं, या बेसिकली मैं कहूं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए और अपने देश के मिनिस्टर्स के बारे में तो एटलीस्ट हमें पता होना ही चाहिए ना। सो दैट्स इट फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।